हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो सर्किट है ये एलडीआर डिपेंडेंट सर्किट है। और एलडीआर क्या होता है, जब इसकी लाइट कम ज़्यादा होती है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होता है, जब इसकी लाइट जो इस पे अगर लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जब ये डार्क में होता है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज हम इस सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बजर है, ये एससीआर है, ये यहाँ से ट्रिगर किया गया है। और जब आप इस सर्किट को ऐसे देख सकते हो कि जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये बजर बजेगा, और जब लाइट नहीं पड़ेगी तो ये बजर नहीं बजेगा। तो अब देखते हैं ये सर्किट काम कैसे करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जब इस पे लाइट नहीं होगी, इस पे रेजिस्टेंस की इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें करंट बहुत कम फ्लो होगी, और यहाँ पर वोल्टेज जो इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यहाँ पर बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगी। इधर तो करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि इधर तो हाई इंपीडेंस में रहता है गेट जो है, इधर बहुत कम करंट फ्लो होती है। तो जब ये डार्क में रहता है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और आप मान सकते हो ये बिल्कुल मेगा ओम में होता है, और यहाँ पर बहुत ही कम वोल्टेज 0.1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट जो भी है वो बनेगी। और इतनी वोल्टेज जो है वो एससीआर को ट्रिगर करने के लिए सफिशियंट नहीं है। अब बात करते हैं लाइट की। जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ये तो फिक्स है, ये वाला तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, और यहाँ पर वोल्टेज बनेगी। जब इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी जब करंट बढ़ेगी। तो जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी तो यहाँ पर एक वोल्टेज बनेगी जो इसको ट्रिगर करेगी, और जब वोल्टेज बढ़ती बढ़ती इसके ट्रिगर पॉइंट या थ्रेशोल्ड वोल्ट पर पहुँच जाती है तो ये ट्रिगर हो जाता है और ये बजर बज जाता है। ये यहाँ से इधर से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये बजर वहाँ पर साउंड करेगा। तो ये होता है एलडीआर का फंक्शन। इसी एलडीआर की मदद से आप, जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रीट में, या जो लाइट के पिलर होते हैं वहाँ पर लाइट लगी होती है, वे अपने आप जब शाम होती है तो शाम होते होते जैसे अंधेरा होता है तो वो लाइट ऑन हो जाती है, और जैसे ही सुबह मॉर्निंग होती है और सनलाइट आती है तो वो लाइट ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक। तो उनमें एलडीआर का ही सर्किट लगा होता है, और कुछ सोलर प्रोजेक्ट में भी ये, जैसे सोलर लाइट लगा देते हैं चौराहों वगैरह पे, ट्रैफिक सिग्नल पे या कहीं और पे जो सोलर लाइट वगैरह लगा देते हैं, उसमें भी एलडीआर सर्किट यूज किया जाता है कि जब लाइट आए तो लाइट एलडीआर का रेजिस्टेंस कम हो जाए और लाइट ऑफ हो जाती है, और जब अंधेरा होता है तो एलडीआर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और लाइट ऑन हो जाती है। तो इसको हम एक अलग से सर्किट डिजाइन करके मैं बताऊंगा कैसे लाइट ऑन ऑफ होती है। आज मैंने बजर के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि लाइट कैसे ऑन ऑफ होती है और वो सर्किट हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सर्किट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।